नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मधुमेश चौधरी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो चार चरण के चुनाव हुए हैं उसमें वो क्या कुछ देख रहे हैं, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सातवां चरण का जो चुनाव होगा पटना में क्या कुछ देख रहे हैं सातवें चरण का चुनाव, और बाकी जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को यानी एनडीए को कितना समर्थन मिल रहा है जनता का। सबसे बड़े तो मैं बता देता हूँ कि बिहार में जो पहली स्थिति है, जो सातवें चरण का चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर में, वो सारी की सारी सीट हम लोग लेके आ रहे हैं, और जो चुनाव हो चुका है उसमें एनडीए का टोटल मिला करके 350 प्लस हम लोग रहेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि महागठबंधन की जो स्थिति है बिहार से, इनका सफाया साफ है, और मेरे को लगता है कि 2-4 सीटें भी अगर ये ले आते हैं महागठबंधन, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा एनडीए जो है 30 प्लस में रहेंगे हम लोग। ये आपने अपने पक्ष की बात कह दी, जो महागठबंधन के नेता है तेजस्वी यादव यही बात कह रहे हैं कि अगर खाता खुल गया एनडीए का तो सोचने वाली बात होगी। यही बात रघुवंश प्रसाद भी कह रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव को अभी कितना दिन हुआ राजनीति में आए हुए, मैं बताना चाहता हूँ तेजस्वी यादव को कि पहले वो अपनी स्थिति तो देख ले, और पहले वो ये तो देख ले कि महागठबंधन में नेता कौन है। अभी तो महागठबंधन के अंदर भी तो नेता का पता ही नहीं चल रहा है कि महागठबंधन का नेता कौन है। हमारे यहाँ तो सारा चीज़ क्लियर है, और सारी देश और बिहार की जनता देख रही है कि एनडीए ने क्या किया और माननीय नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया है। इसलिए यहाँ कोई विकल्प नहीं है, आम जनता से लेकर एक एक पब्लिक हमारे नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में है, और पूरी मेजोरिटी के साथ हमारी एनडीए की सरकार बनेगी, और बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के हर लोग एनडीए को वोट देने जा रहे हैं। पक्ष का आरोप एक और है कि राष्ट्रवाद का नाम लिया जा रहा है, रोजगार की बात अब छुपाई जा रही है, लोगों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगेगी इस बार बीजेपी। ऐसा कोई बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी जो काम करती है वो पारदर्शी दिखता है जनता को, और जितने काम नरेंद्र मोदी ने किया है, अभी आपने मीडिया में देखा होगा कि 5-7 दिन पहले इंडिया न्यूज़ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने सारा क्लियर किया कि उन्होंने 5 साल का अपना ब्यौरा दिया। मेरे को बता दीजिए कि आप कांग्रेस की 60 साल की सरकार रही है, आज तक 60 साल के अंदर में कांग्रेस ने कभी ऐसा इंटरव्यू दिया नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस ने कभी काम ही नहीं किया है। एनडीए की क्या बराबरी की बात करते हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 साल में काम किया है, और मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीए के अंदर में कोई भी महागठबंधन की सरकार आज तक 60 साल में नहीं किया काम ने। 40 सीट बिहार में है, 40ों पे जीत अपनी मान रहे हैं, या फिर कुछ चीट है कि वो भी निकल सकता है आपके खाते से? नहीं, हम ये मानते हैं कि 30 से 32 सीट में हम रहेंगे, और ये हमारा कंफर्म सीट है बिहार के अंदर में, 30 से 32 सीट हम लेके आ रहे हैं। तो 8 सीट कहाँ चले गए? 8 सीट की जो स्थिति है वो अभी जरा कंफर्म केच में है, टसल ज़्यादा है, लेकिन अभी क्या है कि ये अभी हमारे बिहार के वोटर साइलेंट हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर में जो स्थिति है वो आने वाला 23 तारीख को रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा परफॉर्मेंस है कि 30 से 32 33 सीट हम लेके आएंगे, और जो ये 5-7 सीट की मैं बता रहा हूँ उसमें टसल काफ़ी है, वो आपको 23 तारीख को क्लियर होगा, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि वो भी सीट हम लेके ही आएंगे। आप पटना साहिब से हैं, तो पटना साहिब में क्या देख रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में गए, और रविशंकर केंद्रीय मंत्री, दोनों के बीच में कैसा मुकाबला मान रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या दुर्भाग्य है कि वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में गए हैं, और जहाँ तक मेरी स्थिति है कि पहले वो बिहार के पब्लिक को खामोश बोलते थे, और इसमें बताना चाहता हूँ कि बिहार की जनता और पटने की जनता इस पर उनको खामोश करके वापस बॉम्बे भेज देगी। तो यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मधुमेश चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि शत्रुघ्न सिन्हा रेस में ही नहीं है, रविशंकर यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं, और एक बात कही उन्होंने कि खामोश कर देगी पटना की जनता। बहरहाल आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, कैमरा पर्सन राज तिलक के साथ, मैं तनवीर आलम।